जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार से सेकंड फेज के अंतर्गत 70,000 पदों पर भर्ती पहले ही क्लियर हो चुकी है और फर्स्ट फेज में करीब 40,000 से 50,000 पद ऐसे हैं जो खाली गए हैं। तो कुल मिलाकर के करीब 1,10,000 पदों पर भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी सेकंड फेज के अंतर्गत। इसमें बम्पर पद हैं, रिकॉर्ड अगर देख लें आप पूरे ऑल ओवर इंडिया का, इतनी शायद ही किसी स्टेट में भर्ती आई हो। टीजीटी की जो भर्ती है वो सेकंड फेज में लगभग 25,000 है और प्रवक्ता यानी पीजीटी की भर्ती लगभग 52,000 है। इतना ज़्यादा पद है और इसमें आप एक सीट आपको लेनी है तो पहले से ही सारी प्लानिंग आपको करके चलनी पड़ेगी। और अब आपके लिए यहाँ पर एक फ़ायदा और हो गया है क्योंकि बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो टीआरई का कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। इस कट ऑफ के आधार पर अब आप यहाँ पर अपने सेकंड फेज की तैयारी करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप लोग देख रहे हो भर्तियाँ टीजीटी पीजीटी सारी की सारी भर्तियाँ नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के ठप कर दी गई हैं। कब अब ये नया शिक्षा सेवा आयोग कंप्लीट अस्तित्व में आएगा, कब भर्तियाँ स्टार्ट होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं पर बिहार में आपके पास सुनहरा मौका है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा दिल्ली कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप इन भर्तियों में पात्र हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और बीपीएससी आप लोग जानते हैं परीक्षा बहुत फास्ट करवाता है, प्रश्नों का लेवल भी अच्छा रहता है, तो यहाँ पर पहले से ही आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको जो TRE 1 हुआ है उसका जो कट ऑफ जारी हुआ है सब्जेक्ट वाइज सभी विषय का बता रहा हूँ, तो आप उसके बेसिस पर अपना जो सेफ स्कोर है वो सेट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतने पद बहुत ज़्यादा बता दिए, तो यहाँ पर आंकड़े सही दिखा रहा हूँ, आप खुद देखिए। टीजीटी में सेकंड फेज में 18,880 पद स्वीकृत हो चुके हैं, अभी मैं इसका भी प्रूफ दिखाऊंगा, और साथ में 6,712 पद फर्स्ट फेज की भर्ती में खाली गए हैं, तो ये भी पद आपकी सेकंड फेज की भर्ती में जुड़ेंगे। क्योंकि टीजीटी और पीजीटी ऐसी भर्ती फर्स्ट फेज में है जिसमें कैंडिडेट ही नहीं थे, तो कैंडिडेट ही नहीं तो सीटें तो खाली जाना ही जाना है। लेकिन प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट जारी होगी और यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से जो है आप ये न्यूज देख सकते हो, आज का ही न्यूज है कि सेकंड फेज में 70,000 पदों पर भर्ती की बात तो कही गई है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी के पद वो इसमें जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि टीजीटी पीजीटी के पद खाली जाएंगे बीपीएससी या बिहार सरकार भर ही नहीं सकती फर्स्ट फेज की भर्ती से, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है, कैंडिडेट नहीं है तो कहाँ से कैंडिडेट बनाएंगे। लेकिन पीआरटी की जो भर्ती है इसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से पीआरटी के बारे में न्यूज में दिया गया है कि इसको पूरक परिणाम जारी किए जाएंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाएंगे, भर्ती को भरा जाएगा। तो प्राइमरी के पद ज़्यादा खाली नहीं जाएंगे, लेकिन टीजीटी पीजीटी के सारे पद खाली जाएंगे और ये आपकी सेकेंड फेज की भर्ती में आकर के जुड़ेंगे। इसी तरीके से देखिए पीजीटी में 18,830 पद पहले से स्वीकृत हैं और 33,000 पद खाली गए हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके 52,000 पद बन जाते हैं और 6 से 8 में 31,982 पद हैं। और सबसे अच्छी खास बात, अगर आप बीएड पास आउट हैं तो तीनों भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं, अगर आप डीएलएड पास आउट हैं तो आपके लिए ये भर्ती आपको मिल सकती है। लेकिन आपको पता था इन तीनों भर्तियों में जो है एक स्पेशल क्वालिफिकेशन भी चाहिए होगी, डिजिटी और पीजीटी के लिए चाहिए होता है एसटेट और इसके लिए चाहिए होता है मिडिल स्कूल के लिए सीटेट। तो अगर आप ये आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अब वीडियो में कट ऑफ बताएंगे, उससे पहले आप यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न समझ लो। बिहार की जो सेकेंडरी टीचर की भर्ती यानी टीजीटी की जिसमें 25,000 पद मैंने बताया, तो वहाँ पर देखिए ये एग्जाम पैटर्न आपके सामने है। लैंग्वेज होगा क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें पार्ट वन और पार्ट टू 200 नंबर का पेपर होगा, दूसरा पार्ट होगा आप सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसमें जो है आपका पार्ट वन पार्ट टू इसमें भी होगा
80 क्वेश्चन जो होंगे आपके सब्जेक्ट से होंगे, 40 क्वेश्चन जीएस से होंगे। इस तरीके से दोनों पेपर को मिलाते हुए यहाँ पर 220 नंबर का पूर्णांक बन जाता है। लेकिन पार्ट वन केवल क्वालिफाइंग है, मतलब लैंग्वेज वाला जो है केवल क्वालिफाइंग है, मेरिट आपकी बनेगी सेकेंड पेपर के हिसाब से। इसी तरीके से यहाँ पर आप इसका देख लो, यहाँ पर देखिए लगभग वही पैटर्न है। इसमें भी लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा इसमें भी सेम वही है, जीएस आपका आएगा 40 नंबर का, पार्ट टू वन यानी सब्जेक्ट रिलेटेड जो होगा 80 नंबर का। टोटल 220 क्वेश्चन, 220 नंबर, टोटल 4 घंटे का टाइम, यानी दो पेपर होंगे तो दोनों में आपको दो दो घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी पेपर टू के हिसाब से ही आपका मेरिट बनने वाला है, तो इसको फोकस करिए आप। अब यहाँ पर आप लोग कट ऑफ देख लो, कितना कितना कट ऑफ गया है टीजीटी का। देखो मैं यहाँ पर देखिए जनरल की बात करेंगे, अदर स्टेट वाले जितने भी होंगे सब जनरल में जाएंगे, ठीक है। तो जनरल में देखिए हिंदी में मात्र 55 नंबर कट ऑफ गई है। आप सोचो 120 नंबर का आपका पेपर होता है पेपर टू, जिसके हिसाब से कट ऑफ बनती है। 100 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर होता है, लैंग्वेज उसके कट ऑफ अंक जोड़े नहीं जाते हैं। तो 120 नंबर का जो पेपर टू है जिसमें 80 नंबर आपके सब्जेक्ट के हैं, 40 नंबर जीएस के हैं, ठीक है। तो 120 नंबर के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ गई है मात्र 55 नंबर, यानी 50% कट ऑफ भी नहीं गई है। जबकि क्वालिफाइंग पेपर कितना है, क्वालिफाइंग करने के लिए आपको मात्र 40% है कुछ विषय में। तो 40% भी अभ्यर्थी नहीं लेकर के आए तब भी यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा डाटा नीचे, ठीक है। अगर 120 का आप 40% निकालो तो ये बनता है 48 नंबर। 48 नंबर तो लाना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो अरबिक में देखो 47 नंबर पे अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। इसी तरीके से पीजीटी में देखो, यहाँ पर पीजीटी में देखो 39 नंबर पे क्वालिफाई है, 42 नंबर पे क्वालिफाई, 41 नंबर पे क्वालिफाई, 39 पे क्वालिफाई, ठीक है, 39 पे क्वालिफाई, 39 पे फिजिक्स में देखो 39 पे क्वालिफाई हुई हैं भर्ती, और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर बीपीएससी ने पहले ही कर दिया था कि हम 75% कैंडिडेट तो लेंगे, भले कट ऑफ हमें गिरानी पड़े। तो कई विषयों में कट ऑफ यहाँ पर गिराई गई है। अब यहाँ पर कट ऑफ देख लो, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल से देखना है तो आप कट ऑफ हमारी नोटिस जो है ये वेबसाइट से या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी की कट ऑफ यूआर की 55 पुरुष वर्ग की, महिलाओं की कट ऑफ अलग से बनती है, ठीक है। तो महिलाओं का कट ऑफ आप अलग से देख सकते हैं। हिंदी में देखो मात्र 55 नंबर है, बंगाली 52 नंबर है, उर्दू 58, संस्कृत 67, अरबिक 47, पर्सियन 50, इंग्लिश 59, साइंस 50, मैथमेटिक्स 72, सोशल साइंस 74, ठीक है। ये आपके टीजीटी कट ऑफ हो गए। टीजीटी में 10 विषयों की भर्ती आई थी, तो 10 विषय यहाँ पर सारे के सारे कवर्ड हो गए। अब यहाँ पर कट ऑफ देख लो, अधिकतम कट ऑफ जो यहाँ पर गई है वो 74 नंबर गई है सोशल साइंस के। तो सोशल साइंस में तो कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा। अगर आप 74 का निकालो परसेंटेज, 120 में 74 नंबर, आप खुद देखो कि लगभग 61-62% के आसपास बन रहा है। 61-62% रिजल्ट लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत सी ऐसी भर्ती जहाँ पर 80-90% कट ऑफ जाती है, और यहाँ पर 62% मान लो 65% इतना टारगेट कर लो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। हालांकि आपको बता दूं ये जो कट ऑफ है TRE1 की है, लेकिन जो TRE2 होगा उसकी कट ऑफ अपेक्षा का थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट जो है कम थे, कैंडिडेट कम होने की वजह से कट ऑफ भी कम है। अब की बार कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो जाहिर सी बात कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगी। इसके बाद 11-12 के देखिए कट ऑफ, हिंदी की देखिए 39, उर्दू की 42, इंग्लिश 61, संस्कृत 41, बंगाली 66, मैथिली 39, पर्सियन 53, पाली 57, प्राकृत 39, मैथमेटिक्स 53, फिजिक्स 39, कैंडिडेट ही नहीं उपलब्ध देखे कई विषय में। यहाँ पर केमिस्ट्री की भी देखे 39, इकोनॉमिक्स 44, जियोग्राफी 40, साइकोलॉजी 39, सोशोलॉजी 39, फिलोसफी 39, पॉलिटिकल साइंस 39, होम साइंस 40, बॉटनी 39, जूलॉजी 57, अकाउंटेंसी 65, बिजनेस स्टडीज 61, एंटरप्रेन्योरशिप 40, कंप्यूटर 63, हिस्ट्री 70, म्यूजिक 39, मगही 66 और भोजपुरी 58। तो यहाँ पर ये देखे कट ऑफ है, मिनिमम पासिंग मार्क 48 नंबर था। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो ज़्यादातर विषय में आपको
सब 48 से नीचे, यानी 40% जो क्राइटेरिया था उसको भी क्वालिफाई नहीं हो पाए और सरकार को वैकेंसी भरनी थी तो कट ऑफ गिरा दी गई यहाँ पर। तो ये हाल यहाँ पर है बिहार की वैकेंसीज में। अब आप खुद सोचो कितना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन इस कट ऑफ से ये मत समझना कि अगली कट ऑफ इतनी जाएगी, आपको इससे ज़्यादा कट ऑफ का प्रयास करना है। जहाँ तक अगर सेफ स्कोर की बात करते हैं तो सेकंड फेज में जो भर्ती हो रही है इसमें वैकेंसी बहुत अच्छी खासी हैं और इतने ज़्यादा कैंडिडेट फिर नहीं होंगे। मैं फिर से कहता हूँ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है, क्योंकि जो एस्टेड क्वालिफाई हुई उसका डाटा आपके सामने सबके आ चुका है। सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे तो कट ऑफ फिर से कम जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूँ कि 65% से रिजर्व कैटेगरी वाले 65% मान लें जो बिहार के हैं, बाकी जनरल कैटेगरी वाले जो छात्र हैं यूआर वाले 70% टारगेट लेकर के चलो आप, 70 से 72% अगर आप मार्क्स लेकर के आ गए तो सिलेक्शन पक्का है। 70 कितना मतलब 120 का अगर 70% निकालोगे आप तो 12 सत्ते होते 84 84 नंबर अगर 120 में लेकर के आ गए तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। मैक्सिमम आप 90 मान लो, 90 नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम है, ये आपके सेफ स्कोर रहेगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो बस इस टारगेट को लेकर के आज से ही तैयारी शुरू कर दो। बाकी इसका टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद।